प्रेजेंटेशन किया था केंद्रीय विद्यालय भांडुप में, एंड आई हैव टू डॉटर्स एंड वन ऑफ माय नीस हु आर स्टडिंग इन द सेम स्कूल। और घर आके इन तीनों बच्चों ने बहुत इसकी प्रशंसा की और इन्होंने बताया कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है एंड वी शुड गो फॉर अ काउंसलिंग। तो मैंने इन तीनों बच्चों को लेके आई केम टू नैना जी, और इन्होंने सारे बच्चों की फिंगरप्रिंट्स ली और उसके बाद करीब एक हफ्ते के बाद इन्होंने हमें रिपोर्ट दी, और उन रिपोर्ट्स में हर बच्चे की इन्होंने फिंगरप्रिंट्स देखे, अच्छे से एनालिसिस की, और हर एक बच्चे की एनालिसिस में इन्होंने उनकी क्वालिटीज़, इनको कैसे पढ़ाना है आपको, और इनकी जो डेफिशिएंसीज हैं इनको कैसे आपको इम्प्रूव करना है, ये सारी चीज़ इन्होंने बड़ी डिटेल में बताया। और जो उनका एनालिसिस था आई बिलीव ऑलमोस्ट एज हाई एज 90-95%। So I was really surprised, at the same time I was shocked also how accurate science could be। And मुझे अब ऐसा लगता है कि शायद अगर मैं 5-6 साल पहले अगर इनसे मिलता और मैंने इनसे ये काउंसलिंग करवाई होती तो आई कुड हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट इन माई चिल्ड्रन, बिकॉज जो इन्होंने ट्रेड्स अभी तक ले लिए हैं, जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई हैं, वो काफ़ी हद तक उसको और इम्प्रूव किया जा सकता है। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ये सभी को इस तरह के काउंसलिंग करवानी चाहिए DMIT से, और वो भी एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि बच्चे की, जैसे कि नैना जी ने मुझे बताया कि बच्चे की जो फॉर्मेशन है, ब्रेन फॉर्मेशन है, उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, वो 12 साल तक फॉर्म होती है, 12 साल के बाद मोरल लेस वो कॉन्स्टेंट हो जाता है। तो 12 साल से पहले मैं तो रिकमेंड करूँगा कि हर पेरेंट्स को कि वो अपने बच्चों की ऐसी काउंसलिंग करवाएँ और इनके DMIT से इनके रिपोर्ट्स बनवाएं। आई फील इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन फ्यूचर फॉर द चिल्ड्रन। थैंक यू। आउट ऑफ द रेटिंग 1 to 10 हो तो आप कितना मार्क्स देंगे इस टेस्ट को? मैं 9 out of 10।